फिर एक बार फिर से वही शुरुआत। मैं नहीं जानता आप क्या सोच रहे हैं कि मैं कौन हूं और क्या आशा कर रहे हैं कि मैं क्या कहने जा रहा हूं। आप शायद सोचते हैं कि मैं इस नाटक में कोई एक निश्चित इकाई, अभिनेता, प्रस्तुतकर्ता, व्यवस्थापक या कुछ और, परंतु मैं अपने संबंध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कह सकता। उसी तरह जैसे इस नाटक के संबंध में नहीं कह सकता, यह नाटक भी अपने में मेरी ही तरह अनिश्चित है। और अनिश्चित होने का कारण भी यह है कि, परंतु कारण की बात करना बेकार है, क्योंकि कारण तो हर चीज का कुछ ना कुछ होता है, परंतु यह आवश्यक नहीं कि जो कारण दिया जाए वास्तविक कारण वही हो। और जब मैं अपने ही संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता, तो किसी और चीज के कारण अकारण के संबंध में निश्चित कैसे हो सकता। बास लोग मुझे मजदूर दोस्त कहते हैं, कुछ कहते हैं कि मैं फहश हूं, यानी ऑब्सीन और वल्गर कहानियां लिखता हूं। कुछ कहते हैं कि मैं तरक्की पसंद हूं, प्रोग्रेसिव हूं। ये क्या बेवकूफी है। मंटो एक इंसान है और हर इंसान को प्रोग्रेसिव होना चाहिए। मुझ पर इल्जाम है कि मैं औरत और मर्द के रिश्तों के बारे में लिखता हूं, बल्कि मेरा मानना यह है हर उस चीज के बारे में लिखा जाना चाहिए जो आपके सामने मौजूद हो। मेरी कहानी पढ़कर किसी भी नॉर्मल इंसान के मुंह से घटे जज्बात के लाने नहीं टपकते। मेरा अफसाना आपको पसंद आए या ना आए इसका फैसला आप कर लें। मेरी कहानी मेरी दूसरी कहानी की पाई की है या नहीं इसमें बहस लिटरेरी क्रिटिक्स कर लें, लेकिन अदब हरगिज हरगिज फहश नहीं हो सकता। हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इन सब चीखते चिल्लाते नारों के बीच कहीं सवाल। मैं जिसे अपना मुल्क कहूं, लोग क्यों धड़ा धड़ मर रहे हैं, इन सभी सवालों के मुख्तलिफ जवाब थे मेरे पास। एक था हिंदुस्तानी जवाब तो एक पाकिस्तानी जवाब, एक हिंदू जवाब तो एक मुस्लिम जवाब। कुछ तो ऐसे भी हैं जो इसे मुगल हिरासत के मलबे में टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, पर जनाब सब पीछे देख रहे हैं। और आज का कातिल लहू और लोहे से तारीफ लिखता चल रहा है। मजमून सुनाते सुनाते मैं आप सब से मार खा लूंगा और उफ तक नहीं करूंगा, मगर हिंदू मुस्लिम फसाद में कोई मेरा सिर फोड़ दे, मेरे खून की हर एक बूंद रोती रहेगी। मैं एक आर्टिस्ट हूं, ऐसे गंदे जख्म और ओछे घाव मुझे बर्दाश्त नहीं। सदा से स्त्रियों को छलते आए हैं।
ज्ञान स्रोत ऋषि मुनियों ने फैलाई है ये दुर्गंध। नारी की सुंदरता पर लिख डाले हैं ग्रंथ पे ग्रंथ। रूप अरूप कुरूप सभी है एक धारा के वासी। जब एक ही दृष्टि से क्यों ना देखी जाती नारी सब। क्यों रूप की परिभाषा केवल केवल रंग और चमड़ी से होती है। तभी 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 ईर्ष्या हम सुप्रदों को इन सीताओं से होती है। देख के सुंदर रूप मेरा सीता के मन में भी उठा ईर्ष्या भाव। दोष मेरा क्या, मेरा रूप जो उसके रूप से सुंदर था वो भी अटक गई सुंदरता की झूठे पैमानों में। और जाने जाकर